आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू। ये हमारा क्लास टेंथ का चैप्टर का टॉपिक है पीएच। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि पीएच वैल्यू होता क्या है और कुछ ऐसे सामान्य व्यंजनों का पीएच मान कितना होता है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी एक दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले पीएच का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए, पी से होता है पोटेंज और एच से होता है हाइड्रोजन आयन। अब देखिए, पोटेंज जो है ये एक डायनिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ना, पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी हमारा जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी पीएच वैल्यू का मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है, ठीक है। तो देखिए, पीएच का एक फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। तो यानी बराबर लॉग वन बाय एच प्लस, ठीक है। तो अब अगर शुद्ध जल में पीएच देखते हैं कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल में एच प्लस पहले देख लेते हैं, 1 × 10⁻⁷ होता है, 1 × 10⁻⁷ होता है। तो अतः जल का पीएच कितना हो जाएगा, तो देखिए जल का पीएच हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस बराबर माइनस लॉग दस पे पावर माइनस सात बराबर सात। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो गया, सात। अतः शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, सात। तो चलिए, लेकिन इस वीडियो का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये तो ऊपर इंटर के ऊपर का है। इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम देखेंगे कि कुछ सामान्य विलयंस के पीएच मान कितने होते हैं, ठीक है। कुछ सामान्य विलयन का पीएच मान, और हम कैसे पता करेंगे पीएच वैल्यू से, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारा है ये एसिड है या बेस है। तो देखिए, सात अगर होता है तो ये उदासीन होता है, सात होता है तो क्या होता है, उदासीन। सात से नीचे जितना बढ़ेगा उतना अधिक अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा, और सात से ऊपर जितना बढ़ेगा उतना बेसिक होगा यानी क्षारीय होगा। अगर आपको कोई पूछे कि एक वस्तु का, एक विलयन का पीएच मान 3 है और एक का 4 है, तो दोनों में से कौन अधिक एसिडिक होगा, तो 3 वाला अधिक एसिडिक होगा। और अगर आपको कोई पूछे कि एक वस्तु का पीएच मान 8 है, एक का 10 है, तो कौन अधिक बेसिक होगा, तो 10 वाला अधिक बेसिक होगा। अम्ल में जो छोटा रहेगा वो अधिक अम्लीय होगा, लेकिन क्षार में जो बड़ा रहेगा वो अधिक क्षारीय होगा। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कुछ पदार्थ और उसका पीएच वैल्यू। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं अमाशय रस, यानी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेट में भी एक होता है अमाशय रस होता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, जिसके वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी पेट में गैस हो जाता है, तो वो गैस नहीं गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। फिर जिसका कि पीएच वैल्यू 1 होता है, यानी यह बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, अगर यह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग इसके लिए बेसिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे कि इनो, जो कि अम्लीयता को नष्ट करने में मदद करता है। उसके बाद देखिए नींबू रस, ठीक है, नींबू रस, तो नींबू रस का हो जाता है पीएच वैल्यू 2.5।
फिर हम लोग चलेंगे नंबर तीन में, तो नंबर तीन में सिरका पाउडर, ठीक है, सिरका, तो सिरका का होता है 3.0। फिर नंबर फोर पे टमाटर रस, ठीक है, टमाटर भी अम्लीय होता है, क्योंकि आप टमाटर को भी जब खाइएगा तो वो भी खट्टा लगता है, 4.1। फिर नंबर फाइव पे पसीना, तो इसका भी हो जाएगा 4.5, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर सिक्स में, पसीना के बाद अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा का होता है 5.6। फिर पेशाब, तो पेशाब का होता है 6.0। दूध का 6.5। तो देखिए यहाँ कुछ अम्लीय पदार्थों का पीएच वैल्यू है, अगर आपको इसमें से पूछे सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो अमाशय रस, फिर नींबू रस, फिर सिरका, फिर टमाटर रस, पसीना, अम्ल वर्षा, पेशाब, तो दूध, ठीक है। यानी जिसका पीएच वैल्यू जितना कम उतना अधिक वो एसिडिक होगा। उसके बाद नंबर नौ पे चलते हैं शुद्ध जल, शुद्ध जल जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है, ये ना ही एसिडिक होता है, और शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है 7। उदासीन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ अम्लीयता, अब दो चार हम लोग देख लेते हैं क्षारीयता का भी। जैसे 10 में देखिए आंसू, तो हमारा आंसू जो होता है ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 7.3। 11 में खून, तो खून का हो जाएगा 7.4। 12 में पित्त, पित्त का हो जाएगा 7.5 टू 8.8, यानी 7.5 से लेकर 8.8 तक हो सकती है, और चूना का 11.0। अगर आपको इन चारों में से पूछे कि सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो चूना सबसे अधिक क्षारीय है और आंसू सबसे कम क्षारीय है। अम्ल में जो कम उसका अम्लीयता अधिक, और क्षार में जो अधिक उसका क्षारीयता अधिक, और 7 जो होता है 7 उदासीन होता है। और देखिए इसको जिससे प्राप्त करते हैं, यानी जिस स्केल से मापा जाता है पीएच वैल्यू को, तो उसे हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।